नमस्कार, मैं आपके साथ वर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच कीव में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी है। सभी भारतीय छात्रों और नागरिकों को भारत सरकार के निकासी कार्यक्रम ऑपरेशन गंगा के तहत देश वापस लाया जा रहा है। दोनों देशों के मध्य घिरे घमासान में एक भारतीय छात्र हरजोत सिंह भी घायल हो गए थे, जिन्हें आज दिल्ली वापस लाया जा रहा है। हरजोत यूक्रेन की सीमा पार कर पड़ोसी देश पोलैंड में आ चुके हैं। हरजोत भी उनके छात्रों में शामिल हैं जो संघर्षग्रस्त देश में फंसे हुए हैं। सिंह की फ्लाइट आज शाम को हिंडन एयर बस पर लैंड कर सकती है। इंडियन वर्ल्ड फोरम के चीफ पुनीत सिंह चंडोक ने कहा कि हरजोत सिंह ने सीमा पार कर पोलैंड में एंट्री कर ली है। उनके साथ भारतीय राजनयिक भी मौजूद हैं। उन्हें सीमा पर पोलिश रेड क्रॉस द्वारा प्रदान की गई एम्बुलेंस में ट्रांसफर किया गया है। एक वीडियो में हरजोत सिंह ने अपनी जर्नी के बारे में बात करते हुए कहा कि यहाँ तक का सफर मुश्किलों से भरा था। मैं अपने देश वापस जाने को बेताब था। जब मैं भारत पहुंच जाऊंगा तो सभी से मिलूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।